15 अप्रैल 1912 को एक ऐसा हादसा हुआ जिसने पूरे विश्व को हिला कर रख दिया था। दोस्तों हम बात कर रहे हैं टाइटैनिक जहाज की, जिसे कभी ना डूबने के लिए बनाया गया था, लेकिन यह एक बर्फ के टुकड़े से टकराकर टूट गया था। जहाज पर 2,224 लोग सवार थे, जिनमें से केवल 697 लोगों की जान बचाई जा सकी थी और 1517 लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। दोस्तों टाइटैनिक के डूबने के पीछे कई सारे बड़े रहस्य छुपे हैं, जिनसे शायद आप आज भी अनजान है। टाइटैनिक को बनाने का जिम्मा व्हाइट स्टार लाइन कंपनी ने लिया था। टाइटैनिक शिप को बनाने के लिए 48 करोड़ का खर्चा आ चुका था, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा था। टाइटैनिक शिप को तैयार करने के लिए 2000 से ज्यादा वर्कर लगे थे। टाइटैनिक जहाज इतना बड़ा था कि इसमें फुटबॉल मैच के मैदान के जैसा 3 बड़े मैदान आ सकते थे। इसमें एक दिन में करीब 825 टन कोयले का इस्तेमाल होता था, जिससे एक दिन में करीब 100 टन कोयले की राख निकलती थी। इस जहाज में हर रोज 14,000 गैलन पीने का पानी इस्तेमाल किया जाता था। इस जहाज में सवार यात्रियों को हर फैसिलिटी मिल रही थी जो कि उनको चाहिए थी। उस रात समुद्र शांत था और आसमान में चांद भी नजर नहीं आ रहा था। काफी अंधेरा होने के कारण सामने कुछ भी ज्यादा दूर तक दिखाई नहीं दे रहा था। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि टाइटैनिक जहाज में एक भी दूरबीन मौजूद नहीं था जिससे कुछ दूर तक दिखाई दे। हालांकि कैप्टन की नजर बिल्कुल सामने थी और हादसे से पहले ही कैप्टन को कुल 6 चेतावनियां मिल चुकी थी, किंतु कैप्टन ने इन बातों को ज्यादा ध्यान नहीं दिया और टाइटैनिक जहाज को उसी रफ्तार से लेकर चलता रहा। ज्यादा अंधेरा होने के कारण कैप्टन को बर्फ का टुकड़ा दूर से नजर नहीं आया। जब तक यह नजर आता तब तक जहाज उसके काफी करीब पहुंच चुका था और कैप्टन जहाज को मोड़ पाता तब तक काफी देर हो चुकी थी। और जहाज का एक हिस्सा रात के करीब 11:40 पर बर्फ के उस बड़े चट्टान से जा टकराया और देखते ही देखते जहाज में पूरा पानी भरने लगा। उस समय लोग अपने अपने कमरे में सो रहे थे। जब उनके कमरे में एक बार एक पानी आया तो उनके होश उड़ गए और देखते ही देखते जहाज में अफरा तफरी मच गई। सबसे हैरानी की बात तो यह थी कि जहाज में यात्रियों के हिसाब से बहुत ही कम लाइफ बोट रखे गए थे, इसलिए बहुत ही कम लोगों की जान बचाई जा सकी। जहाज में जिधर से पानी अंदर आ रहा था वह हिस्सा ज्यादा अंदर की ओर दब रहा था और दूसरा हिस्सा ऊपर की तरफ उठ रहा था, जिससे जहाज कुछ ही देर में दो टुकड़े में टूट गया और 15 अप्रैल 2:20 पर टाइटैनिक जहाज अटलांटिक महासागर में पूरी तरह से डूब गया। दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आज का यह मेरा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। आप मेरे इस चैनल पर नए है तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो लाते रहते हैं। धन्यवाद।